अरे आरिफ बाबू अस्सलाम वालेकुम, हजरत क्या हाल चाल है? ठीक हो? कहते हो सुख? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैनवीर व्लॉग। करते हैं फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम और करते हैं इसी के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमने गोल में अपनी गाड़ी लगाई थी खाली करने के लिए, सो आधी खाली हो चुकी है और इन्होंने कहा कि आधी गाड़ी अभी ले जाना है यहाँ से बोलनी टॉप, जो कि यहाँ से रोड अभी काफ़ी ख़राब वहाँ पर तो काफ़ी ख़राब है। मैंने इनको बोला था कि वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, बट अभी क्या करें, जब एक बार बोलते हैं सिर पे चढ़ गया तो फिर तो वो क्या करना है। चलो करते हैं इसी के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट और बने रहें हमारे साथ, दिखाते हैं अपने आपको गाड़ी। ये रही हमारी गाड़ी, देख सकते हैं आप। और मैं इस टाइम लास्ट मोड से नीचे थोड़ा आ गया हूँ, जहाँ पे अपना जहांगीर भाई का घर है। ये रहा जहांगीर भाई का घर, जो कि अपनी गाड़ी चलाते हैं दूसरी वाली पक नहीं रहा। और ये रही गाड़ी, करते हैं इसी के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ऊपर की तरफ जाना लेफ्ट टर्न के लिए, जो कि पड़ता है बोलनी टॉप। आप देख सकते हैं आगे आगे कितना ख़राब रोड है यहाँ पे। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ का रोड बिल्कुल फिक्स रोड है। आज सुनने में आया है कि वहाँ पे रोड बिल्कुल फिक्स है। मुझे भी पता है, मैं एक बार गया हूँ, अपने पीछे मेरे ब्लॉग में एक देखा होगा, लकड़ी भर के मैं गया था पहले। बड़ी गाड़ी को ऑफरोडिंग करा रहे हैं, आप देख सकते हैं रोड, आपने पीछे क्लिप में देखा ही होगा कितना डेंजरस रोड है, लेकिन मज़ा आ रहा है ऑफरोडिंग करते करते, मज़ा आ रहा है। एक नंबर, और कालसा के अंदर इन्हें कालस लगी सिसराहट लागन खतरनाक। ये रहा बोलनी टॉप, देख सकते हैं आप बोलनी टॉप का व्यू। ये नीचे आपको मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ये सामने जो मकान है, यहाँ से अभी एक कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, जो कि सवलाकोट डैम, जो नया डैम बनने वाला है उसकी कंस्ट्रक्शन अभी लगी है, तो आने वाले कुछ साल में वो भी तैयार हो जाएगा। और जो डैम की कंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पर उस एरिया में उसको बंद लगाएंगे आगे से। और ये देख सकते हैं आप यहाँ से नथा टॉप भी दिख सकता है आपसे। यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है क्योंकि टॉप पे है, और यहाँ से हर एक चीज़ सामने, मतलब हर एक जगह यहाँ पे सामने दिखती है। और वो रही अपनी गाड़ी, जो कि अभी कुछ टाइम के बाद हो जाएगी खाली और चलते हैं यहाँ से वापस। सो फाइनली गाइज पहुँच चुके हैं बोलनी टॉप, और ये रही अपनी गाड़ी जो कि करती है साइड पे।
और अभी यहाँ पे थोड़ा सा माल उतारना है, उसके बाद यहाँ से संगलदान। ये तो उल्टा ही माल है, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, चलो क्या करें, अपना काम ही ऐसा ही है। और ये रहा बोलनी टॉप का व्यू, मैं आपको यहाँ से बैक कैमरा से दिखाता हूँ यहाँ का व्यू बोलनी टॉप। सो गाइस, फाइनली हो चुकी है अपनी गाड़ी खाली, अब रह गए थोड़े सा बंडल दो तीन, तो चलते हैं अब यहाँ से वापस, करते हैं अपना राइड स्टार्ट। ये रहा मॉल, अब देखते हैं गाड़ी मोड़ेंगे यहाँ पीछे जाके कहीं, क्योंकि रास्ता सिंगल है और रास्ते में इधर जगह नहीं है, पीछे कहीं देखते हैं जगह और करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। सो गाइस, हो चुकी है अपनी गाड़ी खाली और चलते हैं यहाँ से वापस। ये आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन, आते समय तो दिखा नहीं पाए क्योंकि गाड़ी लोड थी और रोड भी काफ़ी, एक तो रोड बिल्कुल फिक्स है, दूसरा रोड बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं उतराई में दो नंबर लगा के ही चलना पड़ता है, वो भी खाली गाड़ी लेके। अगर क्या हाल चाल है, ठीक हो भाई? तो बुरी क्या सर, खैर कर चौ गाड़ी कॉन्टेस्ट खाड़ इसी गए आ त्रा बुला रहे। आज हम पहुंच चुके हैं संगलदान, फिर से वही वाली मार्केट में जहां कल हम कर रहे थे खाली। अभी रह गई है हमारी थोड़ी और गाड़ी खाली करने के बगैर, तो देन उसके बाद करते हैं खाली करने के बाद चलते हैं घर। ये आप देख सकते हैं संगलदान मार्केट का व्यू। सामने सामने चल रहा है गट्टू, बता लिया कहते उसे अनकाइत से चौलन। फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ की हमने सरिया कर ली थी खाली, मिलते हैं।
सो गाइस फाइनली हो चुकी है अपनी गाड़ी खाली और चल रहे हैं वापस। ये संगलदान मार्केट पिछली क्लिप में तो दिखा नहीं पाए थे, लास्ट क्लिप उठा ही लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आज तो मार्केट कुछ बंद बंद सी है, यहाँ पे रश भी नहीं है आज। और ये सामने आप देख सकते हैं ये है, पहले भी बताया था ये संगलदान का रेलवे स्टेशन, अभी पहुँचाने के बाद तैयार हो जाएगा। तो ये रहा बस स्टैंड, यहाँ से स्टार्ट होता है बस स्टैंड, थोड़ा छोटा सा ही बस स्टैंड है। तो सुबह इस उम्मीद करते हैं आप सबको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पे देखते हैं अपने लिए एक लिफ्ट जो कि हम जाएंगे इसमें घर। तो उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं ऐसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।